ताकत आवाज़ में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतिया जैनब। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो हम कभी कभी बोलते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं, हमसे गलती हो जाती है। तो कुछ इंग्लिश में किए गए एरर्स की बात करेंगे, लेकिन वो सारी एरर्स आपके नाउन से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर सम एरर्स दैट वी मेक इन अवर इंग्लिश स्पीकिंग, बट दोज ऑल एरर्स आर रिलेटेड टू द नाउन ओनली। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोना स्टार्ट अवर दिस सेशन। पहला सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे जो स्लैश करके दिया गया है, इसे डरिएगा नहीं, ये जो है एक सेंटेंस है, पीसेस में लिखा गया है अलग अलग, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। माय सिस्टर हैज़ रेड, मैंने रेड क्यों पढ़ा, रीड क्यों नहीं पढ़ा इसको, क्योंकि यहाँ पे रीड जो है थर्ड फॉर्म आई है। रीड के थर्ड फॉर्म अगर आपको पता हो, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीडी होता है, रीड रीड, जिस तरीके से और थर्ड फॉर्म्स आपको पता होंगे गो वेंट गॉन, इस तरीके से रीड के जो सेकंड थर्ड फॉर्म होते हैं वो यही होती है, रीड और रीड। लेकिन पढ़ा इसको जाता है रेड और रेड, मस्त में आ रही है। और मुझे कैसे पता चला ये थर्ड फॉर्म है, तो उसकी निशानी ये है कि हैस के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, हैस के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि ये रीड जो है थर्ड फॉर्म है, इसीलिए मैंने उसको पढ़ा रेड। तो ये तो बात हो गई ग्रामेटिकल, आगे बढ़ते हैं इसमें एरर क्या है। सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है माय सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। यहाँ पे एरर ये है कि जब कभी भी आपको कोई नाउन और उसके बाद कोई प्रेपोजिशन और दोबारा वही नाउन दिखता है, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर में जाता है। जैसे आपने सुना होगा डोर टू डोर, ये आपको सभी जानते हैं कि भाई वो बेचने आया था, कुछ सेल मार्केटर्स होते हैं जो कि डोर टू डोर जाते हैं। कभी हम ये कहते हैं डोर्स टू डोर्स, नहीं। तो यही गलत है कि मतलब कि जब कभी भी नाउन उसके बाद प्रेपोजिशन उसके बाद नाउन आए, तो हमेशा उसको किस में रखते हैं, दोनों नाउन को सिंगुलर में रखते हैं। तो गलती यहाँ पर यह है, होना चाहिए पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, पढ़ इट, यानी कि बाइबल के एक पेज के बाद दूसरा पेज पढ़ा। ऐसा नहीं कि एक पेज पढ़ लिया उसके तीन चार पेज छोड़ के, तो पेज आफ्टर पेज मतलब एक एक पेज करके, गॉट इट। सो सिंगुलर होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट एरर है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters. तो generally cousin शब्द के साथ sister brother का use नहीं करते हैं, okay? तो यहाँ पर गलती ये है, cousin sisters ना कह के आपको बोलना चाहिए cousins, तो उसका ध्यान रखिए। Next sentence, he takes pain over his work. यहाँ गलती ये है कि भाई takes pains होना चाहिए, pain में s लगना चाहिए, pains। अब आप बोलोगे भाई पेन तो कोई अनकाउंटेबल नाउन है ना, पेन में ऐसा तो लगता नहीं है, जैसे बैग बैग्स होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में ऐसा नहीं लगता, पेन अनकाउंटेबल है, तो ये सही है। लेकिन टेक पेन्स ये एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोशिश करना किसी काम की, ठीक है। तो टेक पेन्स ये एक मुहावरा है, तो जो कि मुहावरा यहाँ गलत हुआ है, पेन की जगह पेन्स यूज़ होगा, समझ में आया। यानी जो दर्द के आप इंग्लिश बोलते हो उसको आप पेन ही बोलोगे, लेकिन एज अ मुहावरा जब आप यूज़ करते हो कि वो उसने यू नो इसमें इस काम के लिए काफ़ी प्रयास किया, ठीक है, ही, तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म टेक अपना फॉर्म चेंज करेगा, टेक टोक टेक्स टेकिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेन इसके साथ यूज़ होगा, पेन्स, ठीक है। तो टेक पेन्स मतलब काफ़ी प्रयास करना, एफर्ट डालना, ओके। तो यहाँ पर गलती है, एस लगाना है, पेन्स होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। बायरन शेली पोइट्स के नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है पोइट्रीज, तो पोइट्रीज का प्लूरल जो पोइट्रीज वर्ड है ये गलत है, मतलब कि ये लिखा है प्लूरल पोइट्री का, तो पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता। तो आप पूछोगे फिर क्या होता है, तो पोइट्री का प्लूरल ही नहीं होता, यस ऑफकोर्स पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज होता ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता कुछ उसमें ऐड करके, ठीक है। तो सही होगा, चाहे आप कई सारे पोइट्री की बात कर रहे हो, कई सारे पोम्स की बात कर रहे हो, वहाँ पे हमेशा पोइट्री वर्ड ही यूज़ होगा। तो सही सेंटेंस होता है आई लाइक द पोइट्री ऑफ बायरन एंड शेली। भले ही आपने कितनी सारी उनकी कविताएँ पढ़ रखी हों, लेकिन आप बोलेंगे यही आई लाइक द पोइट्री ऑफ
बायरन एंड शेली। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस अनचांटेड मी, इसको एन नहीं पढ़ते हैं अन पढ़ते हैं, चैंट नहीं पढ़ते हैं चांट पढ़ते हैं, अनचांटेड मी। तो उसका पहले मीनिंग समझ लीजिए, अनचांटेड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो गलती क्या है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग, देखिए इंग्लिश में दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सराउंडिंग और एक में एक होता है सराउंडिंग्स, ठीक है, एक में एस लग जाता है। अब सोचोगे कि सराउंडिंग का प्लूरल होता है क्या सराउंडिंग्स, तो ऐसा नहीं है भाई, सराउंडिंग कोई नाउन नहीं है भाई, नाउन का ही तो प्लूरल होता है बैग बैग्स, ओके बॉटल बॉटल्स, सराउंडिंग कोई नाउन थोड़ी ना है भाई। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग एक प्रपोजिशन है, यूज़ किया जाता है जब कभी किसी के चारों ओर वर्ड बोलना होता है या निकट में बोलना होता है, उसकी जगह यूज़ किया जाता है सराउंडिंग। जैसे आपके चारों ओर, मान लीजिए आप किसी एरिया हिल एरिया गए हैं, तो कहते हैं कहना हो कि चारों ओर के माउंटेन्स कितने अच्छे हैं, यानी जिन माउंटेन से हम घिरे हुए हैं वो माउंटेन्स वाकई बहुत अच्छे हैं, तो आप बोल सकते हो द सराउंडिंग माउंटेन्स, गॉट इट। तो सराउंडिंग इज़ अ प्रपोजिशन, इसका प्लूरल नहीं होता, तब आप बोलोगे कि सराउंडिंग्स फिर क्या होता है जब उसका प्लूरल नहीं, आप बता रहे हो कि दो वर्ड्स होते हैं सराउंडिंग और सराउंडिंग्स, तो एक तो हो गया सराउंडिंग प्रपोजिशन, तो दूसरा वाला जो एस लग जाता है उसका मीनिंग क्या होता है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास की जगह, यानी जगह को बोलेंगे सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स एक तरीके से आपका नाउन है, लेकिन सराउंडिंग इज नॉट अ नाउन, इट्स अ प्रपोजिशन। तो सराउंडिंग्स मतलब आसपास की जगह। अब आप इस सेंटेंस में देखो कि सराउंडिंग आपका प्रपोजिशन का तरह यूज़ हो रहा है क्या, और जब भी प्रपोजिशन की तरह यूज़ होगा तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन दिया होगा, सराउंडिंग द सराउंडिंग माउंटेन इस तरीके से। लेकिन यहाँ क्या दिया गया, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, यानी कि ब्यूटीफुल के बाद एक नाउन ही तो आता है, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये नाउन का वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये बात कर रहा है आसपास के जगह की, गॉट इट, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे एस लगना चाहिए, सराउंडिंग्स वर्ड आना चाहिए, सराउंडिंग नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है, अगर नहीं आया हो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। गलती यहाँ पर ये है कि लगेजेस नहीं होता भाई, लगेज का प्लूरल नहीं होता, अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा था कि पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, अब ये भी सुन लीजिए कि लगेज का प्लूरल नहीं होता। रीज़न दोनों का सेम है कि लगेज और पोइट्री दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता, ठीक है, तो लगेज में एस नहीं लगता। अब आप बोलोगे यार ऐसा कैसे होता है कि हमारे पास कभी कभी तो होता है कि तीन चार बैग्स हो जा रहे हो कहीं सफ़र पे, और कभी काउंट भी करना होता है, लिखवाना भी होता है कहीं कहीं पे, तो भैया वहाँ क्या बोलेंगे, एक थोड़ा ना लगेज है हमारे पास कई सारा है, तो आप बोल रहे हो एस नहीं लगाते लगेज में, तो फिर उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको प्लूरल बोलना है, गिनना है लगेज, तो उसके लिए आप यूज़ करिए आइटम्स, ठीक है। अगर आपके पास छः बैग है तो आप बोलोगे सिक्स आइटम्स ऑफ लगेज, आप ये नहीं बोलोगे सिक्स लगेजेस, गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो लगेज का प्लूरल लगेजेस नहीं होता, बल्कि होता है आइटम्स ऑफ लगेज, गॉट इट, टू आइटम्स ऑफ लगेज, थ्री आइटम्स ऑफ लगेज, लाइक दिस। तो फिलहाल व्हाट वी विल डू हियर, लगेज में से एस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। आइटम्स भी तभी यूज़ करिए जब छः सात कोई नंबर आपको लगाना है, वरना हमेशा लगेज ही बोलते हैं, तो यहाँ पे गलती ये है, एस नहीं आएगा, ऑल इज लगेज हिमसेल्फ, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलेबरेटली कार्व्ड, ओके। यहाँ पे जो गलती है वो है अपोस्ट्रॉफी एस की। अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ क्यों होता है, पोजेशन बताने के लिए, ओके। जैसे राम का घर, राम्स हाउस, मोहन की किताब, मोहन्स बुक, तो अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है पजेशन, यानी किसी का अधिकार बताने के लिए, इसकी उसकी हम, ठीक है। तो नाउन के बाद ही अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है, ओके, नाउन के बाद, ठीक। चलिए, लेकिन अगर नाउन नॉन लिविंग हो तो फिर अपोस्ट्रॉफी एस नहीं आता है। अगर हमें कहना है राम की टांग टूट गई, तो आप बोलोगे राम्स लेग, गॉट इट, राम्स लेग। लेकिन कुर्सी की टांग टूट गई, कुर्सी इज नॉट अ लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता। तो जब अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता, लेकिन टांग तो कुर्सी की होती है ना, ये तो नहीं कह सकते टांग की कुर्सी नहीं होती, सॉरी कुर्सी की टांग नहीं होती, होती तो है, तो फिर क्या यूज़ करेंगे पजेशन के लिए जब अपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करते। तो आंसर है अपोस्ट्रॉफी एस का सब्स्टिट्यूशन होता है ऑफ, क्या होता है ऑफ, ठीक है।
तो जिस तरीके से हम बोलते हैं राम्स बुक, तो उसको द बुक ऑफ राम बोलते हैं. ओके, मोहन पेंसिल, द पेंसिल ऑफ मोहन बोलते हैं. तो सिमिलरली नॉन लिविंग के लिए, क्योंकि हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते, तो टेबल यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग, इसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होगा. तो फिर इसको क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन है, तो यूज़ करेंगे ऑफ का. तो आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा, द लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन elaborately carved. Next error आ गई, the sceneries of Kashmir is very charming. Okay, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया poetry, luggage, इन सब में ऐसा नहीं लगता, उन्हीं में से एक और word आ गया, scenery भी आ गया. Scenery भी uncountable होता है, इसमें भी आप, इसका भी plural आप s लगा के नहीं बनाते, ये भी इसका भी plural नहीं बनता, sceneries की जगह scenery होगा. ठीक है, the scenery of Kashmir is very interesting. चार्मिंग, चाहे एक हो चाहे दो हो, दोनों के लिए ही आप सीनरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल. दो वर्ड्स होते हैं भाई इंग्लिश में, एक होता है टैलेंट, एक होता है स्किल. टैलेंट होता है जब आप के अंदर कोई चीज़ यू नो इनबॉर्न होती है, मतलब आपके पापा की आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी भी अच्छी आवाज़ है, नेचुरली आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, तो ये कहलाता है आपका टैलेंट. मतलब आपने सीखा नहीं यहाँ पे आके, आपके अंदर पैदाइशी कोई चीज़ है, आप अच्छा डांस कर लेते हो बिना सीखे, तो ये आपका कहलाता है टैलेंट, जो इनबॉर्न होता है, जो जन्म से होता है. ठीक है, लेकिन अगर बात करें कोई ऐसी चीज़ की जो हम यहाँ पे सीखते आके, दुनिया में आके सीखते हैं, भले ही वो हमें हमारे बहुत अच्छे से आता हो, हमारे अंदर बहुत अच्छे से, लेकिन आप उसको टैलेंट नहीं बोलोगे. जो चीज़ हम सीखते हैं उसके लिए यूज़ होता है स्किल. यहाँ पे गलती यही है कि भाई ड्राइवर है, ड्राइवर जब गाड़ी वाड़ी ठीक करता है तो उसका टैलेंट थोड़ी ना है. ड्राइवर कोई अगर नॉर्मल इंसान कर दे तो वो उसका टैलेंट कहलाएगा, कुछ देख देख के यू नो वो भी उसका टैलेंट नहीं कहलाएगा, वो भी उसको देख देख के ही सीखे, लेकिन सीखा उसने. टैलेंट का मतलब होता है कहीं से कुछ नहीं सीखा लेकिन अपने आप से वो चीज़ आती है, भाषण में आ रही है. तो यहाँ बात हो रही है ड्राइवर की, जो काम सीखते हैं, इसलिए यहाँ टैलेंट शब्द का इस्तेमाल गलत है. तो क्या गलत, सही, क्या यूज़ होगा, क्या सही माना जाएगा, स्किल. तो सही सेंटेंस होगा, द ड्राइवर शोड हिज ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल. नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड. दो शब्द पाए जाते हैं इंग्लिश में, एक होता है ग्राउंड, एक होता है फ्लोर. ओके, ग्राउंड एंड फ्लोर में डिफरेंस क्या होता है वो आप समझिएगा. जब हम घर के अंदर की बात करें, दोनों ही का मतलब ज़मीन से होता है, सभी को पता है, ग्राउंड मतलब भी ज़मीन, फ्लोर मतलब भी ज़मीन. ओके, लेकिन बोलने में डिफरेंस है. जब आपको घर के अंदर की बात कर रही है, घर के अंदर की ज़मीन की बात कर रही है, तो यू विल से फ्लोर. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने बच्चे से बोला कि ज़मीन पे ये मत गिरा देना, तो वहाँ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, फ्लोर. ओके, लेकिन अगर हम पार्क की बात करें, आउटसाइड एरियाज़ की बात करें, जैसे कि पार्क हो गया, गैराज हो गया, और बहुत जितने भी बाहर की प्लेसेस हैं, वहाँ की ज़मीन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे ग्राउंड. ठीक है, तो ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया फ्लोर. समझ में आया. अब यहाँ सेंटेंस पढ़ लेते हैं क्या लिखा था. सेंटेंस था व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, तो बेडरूम्स का मतलब घर के अंदर की बात हो रही है, जब घर के अंदर की बात होगी तो ग्राउंड नहीं यूज होगा, क्या होगा, फ्लोर. ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई. लेकिन ग्राउंड फ्लोर क्या होता है, दोनों को मिला के भी बोला जाता है. तो ग्राउंड फ्लोर इसलिए बोला जाता है, ग्राउंड फ्लोर किसी यू नो मॉल के अंदर को भी यू नो फर्स्ट लेवल को ही ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, तो उसको ग्राउंड क्यों कहा जाता है, फ्लोर क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि वो तो अंदर की बात हो रही है. तो उसका आंसर ये है कि ग्राउंड फ्लोर, द फ्लोर दैट इज क्लोजेड टू ग्राउंड. ओके, द फ्लोर दैट इज क्लोजेड टू ग्राउंड. ओके, जो ग्राउंड से, ज़मीन से, पृथ्वी की सतह से मिला हुआ चीज़ होता है. ओके, तो उसको ही फर्स्ट लेवल का उसे कहते हैं ग्राउंड फ्लोर. तो ग्राउंड और फ्लोर में अलग अलग डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया. ग्राउंड कहते हैं बाहर की ज़मीन को और फ्लोर कहते हैं अंदर की ज़मीन को. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ गलती क्या थी, ऑन द फ्लोर होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाला, आर्म्स आर गिवेन टू द पुअर्स. इसको पढ़ते हैं आर्म्स, एल साइलेंट होता है. आर्म्स का मतलब क्या होता है पहले वो जान लीजिए. आर्म्स का मतलब होता है चैरिटी या भिक्षा. ठीक है,
चैरिटी या भिक्षा भीख। ओके, तो आम्स जनरली किसको दी जाएगी? गरीब लोगों को दी जाती है। तो गरीब लोगों के लिए यहाँ लिखा गया है द पुअर्स, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। बहुत से लोग बोलते हैं द पुअर्स, तो गलत है, पुअर में एस नहीं लगता, ठीक है। अगर आपको बोलना है गरीब लोग तो इसकी इंग्लिश होती है द पुअर। मेरी बात फिर से समझ लो, द पुअर इज इक्वल टू द पुअर पीपल, देर इज नो नीड टू एड एस इन द पुअर। ओके, सो द पुअर मीन्स द पुअर पीपल इटसेल्फ। वन पॉइंट एल्स दैट आई हैव टू टेल यू हियर कि द पुअर में एस नहीं लगता, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। द पुअर के आगे पीपल भी नहीं लगाएंगे आप, मतलब द पुअर पीपल भी कहना गलत है। वाई? बिकॉज द पुअर इटसेल्फ मीन्स द पुअर पीपल, पीपल छुपा होता है द पुअर में, ठीक है। तो द पुअर में ना ही आप एस लगाओगे, ना ही उसके आगे पीपल लगाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन से आपको इतने सारे सेंटेंसेस में जो भी एरर्स थी जो आप बोलने में करते हो वो समझ में आई होगी अच्छे से। तो टिल आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो, कीप लविंग ग्रामर, कीप लविंग इंग्लिश। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब।